टूडे वी विल स्टडी सेकंड पॉलीहैलोजन कंपाउंडॉर्म ट्राइक्न ठीक है यह मैन्युफेक्चर होता है बाईक्लोरिनेशन ऑफ मीथिन फॉलोड बाय सेपरेशन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये इसके फॉर्मेशन का मेथड है सी एच फोर प्लस थ्री मॉलिक्यूल सी एल टू के ऐड किए सनलाइट की प्रेजेंस में सी एच सी एल थ्री प्लस थ्री एच सी एल बन गया प्रॉपर्टीज़ देखिए सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये स्वीट स्मेलिंग लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है सिक्सटी वन डिग्री सेल्सियस ठीक है इसको हम डार्क कलर की बॉटल्स में स्टोर कर कर रखते हैं अगर हम ताकि इसको ऑक्सीडेशन से बचा सकें सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और पॉइजनस गैस Cl2 बना लेता है ठीक है ये इसकी रिएक्शन है ए, CHCl3 O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ली इसने सनलाइट की प्रेजेंस में ठीक है Cl2 HCl बना ली ठीक है एक्सीएल बना लिया इट इज़ देयर फॉर स्टोर्ड इन डार्क क्लोज डार्क कलर्ड बॉटल्स कम्प्लीटली फ़िल्ड करके रखते हैं इसको क्लोज्ड डार्क कलर की बॉटल्स में कम्प्लीटली फिल करके रखते हैं ताकि एयर को बाहर रिमूव कर सकें ठीक है वन परसेंट इथेनॉल को अगर ऐड कर देंगे फोजीन गैस में फॉस्जीन गैस में सी ओ सी एल टू है फॉस्जीन गैस उसमें अगर हम वन परसेंट इथेनॉल को ऐड करेंगे तो वो डाई इथाइल कार्बोनेट बना लेगा जो कि नॉन वोलेटाइल और नॉन टॉक्सिक होता है ये इसकी रिएक्शन है सी ओ सी एल टू फॉस्जीन गैस जो कि कैसी होती है फॉस्जीन गैस पॉइजनस गैस होती है ये सी टू एच फाइव ओ एच वन परसेंट इथेनॉल डाला है सी ओ सी एल टू में तो डाई इथाइल कार्बोनेट प्लस एच सी एल फॉर्म हो रहा है ठीक है अब देखिए इसके यूजेस देख लेते हैं इट इज़ वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एज अ सॉल्वेंट फॉर और फॉर फैट्स इसको हम वाइडली यूज करते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह में फॉर फैट्स वैक्सीस रेजिन रबर एक्सेट्रा इट वांस वंस यूज एज एन एनेस्थेटिक सर्जरी इन एज सर्जरी एजेंट इन सर

अब यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये फॉसजीन गैस बना लेते हैं जो कि पॉइजनस होती है ओके नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे ऑन दिस चैनल वी विल प्रोवाइड यू बेस्ट कंटेंट ऑफ पी इफ माई वीडियोज़ आर हेल्पफुल फॉर यू दैन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल लर्निंग पॉइंट थैंक यू